यह जबलपुर की, जहां मध्य प्रदेश में कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, वहीं प्रदेश में 24 घंटे के भीतर 74 नए मरीज मिले हैं। रविवार को प्रदेश में 6,236 सैंपल की जांच की गई, इनमें से 1.18% पॉजिटिव मिले हैं। इस महीने में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, वहीं मौतों के मामलों में भी इजाफा हो रहा है। अप्रैल और मई में एक एक मरीज की मौत हुई, लेकिन इस महीने में ही 5 मरीज दम तोड़ चुके हैं। जबलपुर में 10 दिनों के भीतर कोरोना से दूसरी मौत हुई है। इससे पहले जबलपुर में 55 वर्षीय मुन्नी बी की 16 जून को मौत हुई थी। हालांकि मुन्नी को डायबिटीज, बीपी और कार्डियक प्रॉब्लम थी। जनवरी में आई कोरोना की थर्ड वेव के बाद सिर्फ अप्रैल के महीने में सुकून रहा, उसके बाद से लगातार कोरोना के संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। जनवरी में 1,79,656 नए मरीज मिले थे और 51 संक्रमितों की मौत हुई थी। फरवरी में 65,448 मरीज मिले और 105 संक्रमितों ने दम तोड़ दिया। मार्च में 1,945 संक्रमित मिले और 5 मौतें हुई थी। अप्रैल में सबसे कम मात्र 354 केस मिले और 1 की मौत हुई है। मई में 1,127 मामले आए और 1 मरीज ने दम तोड़ दिया था, लेकिन इस महीने में लगातार मामले बढ़ ही रहे हैं। इस महीने के 27 दिनों में 1,463 संक्रमित मिल चुके हैं और 5 मरीजों की मौत हुई है। बीते एक हफ्ते में प्रदेश में करीब 474 नए मरीज मिले हैं। इंदौर में 171, भोपाल में 134, जबलपुर में 41, ग्वालियर नरसिंहपुर में 17, होशंगाबाद में 14, रायसेन बालाघाट में 9, डिंडोरी में 8, उज्जैन में 7, सीहोर में 6, सागर में 5, छतरपुर कटनी मंडला में 4, हरदा खंडवा मुरैना सिंगरौली में 3, बुरहानपुर दतिया खरगोन रतलाम में 2 और दमोह गुना राजगढ़ शिवपुरी में 1 नया मरीज मिला है।